हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के संबंध में जिसके बाद अमूमन हमारे देशवासियों में यह धारणा हो गई थी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के अंतर्गत जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है और उसमें जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। न्यूज़ तो सही है, लेकिन दिस जजमेंट हैज अ कैच। और कैच यह है कि यह 6 मंथ का वेटिंग पीरियड जो है वो ऑटोमेटिकली वेव ऑफ नहीं होता है, बल्कि इसके लिए आपको एक पटिशन फाइल करना पड़ता है और फिर फैमिली जज अपने स्वविवेक से यह निर्णय लेते हैं कि इस 6 मंथ के वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ करना है या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में, म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया के बारे में और 6 मंथ वेटिंग पीरियड से संबंधित कंफ्यूजन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो डाइवोर्स जो है वो दो तरह से होती हैं, एक कंटेस्टेड, दूसरा म्यूचुअल डाइवोर्स। अब कंटेस्टेड डाइवोर्स वह है जिसमें पति या पत्नी दोनों में से एक जो है वो डाइवोर्स चाहते हैं और दूसरा डाइवोर्स नहीं चाहता। इस परिस्थिति में दोनों के बीच कॉन्टेस्ट होता है, यानी कि वो लिटिगेशन को आगे ले जाते हैं। अब बात आई म्यूचुअल डाइवोर्स पर, तो म्यूचुअल डाइवोर्स में पति और पत्नी ने सारे मामलों को सेटल कर लिया है, जैसे कि एल्यूमिनी कितना लेना है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे किनके पास रहेंगे, अगर और कोई अदर इश्यूज है तो उन इश्यूज को भी सेटल कर लिया है। और उसके बाद म्यूचुअली वो कोर्ट के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को साथ में नहीं रहना है, हम दोनों को डाइवोर्स चाहिए। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है हमारे कानून में, वो यह है कि शादी के 1 साल के बाद ही आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, म्यूचुअल पिटीशन जो होना चाहिए वो ज्वाइंटली फाइल होना चाहिए बाय हस्बैंड एंड वाइफ, एक व्यक्ति उस पिटीशन को फाइल नहीं कर सकता। अब चलिए मानते हैं कि पति और पत्नी के बीच सारे मामले सेटल हो गए, यानी कि एल्यूमिनी कितना लेना है पत्नी को, बच्चे हैं वो किसके पास रहेंगे, अदर कोई इश्यूज हैं वो सेटल हो गया। अब पति और पत्नी, 1 साल भी पूरा हो गया शादी का, करेंगे अब पति पत्नी क्या करेंगे कि जो भी उनके ज्यूरिसडिक्शन का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहां स्थित फैमिली कोर्ट में वो एक ज्वाइंट म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे। पिटीशन फाइल करने के बाद पति और पत्नी दोनों को एक डेट मिलता है कोर्ट से। डेट पर फैमिली कोर्ट जज साहब के सामने पति और पत्नी दोनों को हाजिर होना होता है। उसके बाद फैमिली कोर्ट जज साहब एक इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में वो पति और पत्नी दोनों के बारे में पूछताछ करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या यह पिटीशन आपने फाइल किया है, फिर वो पूछते हैं कि दोनों के अलग होने के निर्णय के पीछे कारण क्या है और क्या कोई संभावना बची है कि इस रिश्ते को बचाया जा सके। फिर भी अगर पति पत्नी यह कहते हैं कि उनको डाइवोर्स लेना ही है तो फैमिली कोर्ट जज साहब इस बात को अपने ऑर्डर शीट में लिखते हैं और फिर 6 महीने बाद का एक डेट देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हमारे लीगल लैंग्वेज में फर्स्ट मोशन कहते हैं, साधारण भाषा में आप इसे एक इंक्वायरी समझ सकते हैं। छह महीने का ये वक्त पति पत्नी को इसलिए दिया जाता है कि वो अच्छे से सोच लें कि उन्हें डाइवोर्स लेना है या फिर रिश्ते को बचाने के लिए कोई प्रयास वो कर सकते हैं। यह 6 महीने का समय इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि कभी कभी यह देखा गया है कि पति पत्नी उतावलेपन में इस तरह के केसेस फाइल कर देते हैं या कभी कभी करंट सिचुएशन से पैनिक होकर इस तरह के केसेस फाइल करते हैं और बाद में पछताते हैं। छह महीने के बाद जो डेट पड़ता है उस डेट को सेकेंड मोशन बोला जाता है। सेकेंड मोशन के दिन पति पत्नी फिर से फैमिली कोर्ट जज साहब के सामने पहुंचते हैं। जज साहब उनसे पूछते हैं कि क्या रिश्ते को बचाने की कोई गुंजाइश है या फाइनली वो डाइवोर्स लेना ही चाहते हैं। अब अगर पति पत्नी कहते हैं कि रिश्ते को बचाने की कोई गुंजाइश है तो प्रोसीडिंग वहीं ड्रॉप हो जाता है। और अगर वह कहते हैं कि फाइनली उनको डाइवोर्स लेना ही है तो फिर जज साहब इस बात को अपने ऑर्डर शीट में लिखते हैं और सेकेंड मोशन को पास कर देते हैं।
इसके बाद उस दिन या फिर किसी अगले दिन डेट देकर डाइवोर्स का जजमेंट पास कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे हमारे कानून में भी बदलाव की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे ऐसे मामले आने लगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि दे आर डेड मैरिजेस। डेड मैरिजेस मतलब जहां समझौते की कोई गुंजाइश रही नहीं गई है और अगर वहां पर 6 महीने का वक्त और दे दिया जाए तो इट विल इंक्रीज द एगनी एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पार्टीज। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 142 में निहित विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए इस 6 महीने की बाध्यता को खत्म करने लगा और डाइवोर्स ग्रांट करने लगा। फ्रेंड्स, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल आया कि जब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B में एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है 6 मंथ के वेटिंग पीरियड का, तो क्या आर्टिकल 142 में निहित विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज कर सकता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मसलों को 12 सितंबर 2017 को अमरदीप सिंह वर्सेस हरबीन कौर नामक केस में सेटल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन मौजूद है तो वो 142 में अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन को इग्नोर करने के लिए नहीं कर सकता। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 13B के तहत 6 मंथ का जो वेटिंग पीरियड था उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के अंतर्गत जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है वह प्रोविजन जो है दैट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, रैदर इट्स अ डायरेक्टरी प्रोविजन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन फैमिली कोर्ट जज साहब के ऊपर छोड़ दिया है कि वह अपने स्वविवेक से इस बात का निर्णय लें कि 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसे वेव ऑफ करना है या नहीं करना है। अगर फैमिली कोर्ट को लगे कि शादी को बचाने की कोई भी गुंजाइश है तो वह 6 महीने तक पति पत्नी को रुकने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली कोर्ट जज साहब को लगे कि इट्स अ कंप्लीट डेड मैरिज तो फिर वो उस 6 महीने के प्रोविजन को वेव ऑफ कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस 6 मंथ के वेटिंग पीरियड को अगर पति पत्नी को वेव ऑफ कराना है तो उसका क्या उपाय है। तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड मोशन के बारे में बताया था। फर्स्ट मोशन के पास होते ही उसके ठीक 1 सप्ताह के बाद पति और पत्नी कोर्ट में दोबारा एक वेवर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इस एप्लीकेशन में पति और पत्नी दोनों यह कारण बताएंगे कि क्यों इस 6 मंथ के वेटिंग पीरियड को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद फैमिली कोर्ट जज साहब को यह निर्णय लेना है कि इस 6 मंथ के वेटिंग पीरियड को वो वेव ऑफ करें या ना करें। वेवर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के संबंध में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फैमिली कोर्ट इस वेवर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले इस बात की जांच कर ले कि पति और पत्नी दोनों वेवर एप्लीकेशन फाइल करने के दिन से 1 साल पहले से एक साथ न रह रहे हों और न ही उनके बीच कोई संबंध हो। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है कि फैमिली कोर्ट को मेडिएशन की भी गुंजाइश देख लेनी चाहिए कि क्या कोई मेडिएशन की गुंजाइश भी बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जितने भी इश्यूज हैं पति पत्नी के बीच में वो सेटल्ड होना चाहिए और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, जैसे कि पत्नी को कितना एल्यूमिनी देना है, अगर बच्चे हैं तो वो किसके साथ रहेंगे, अगर और भी कोई इशू हो तो वो इशू कंप्लीटली सेटल्ड होना चाहिए और उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है कि अगर फैमिली कोर्ट को यह समझ में आ जाए कि इट इज़ अ कम्प्लीटली डेड मैरिज और अगर इसमें 6 महीने का और वक्त दिया जाता है तो इट विल इंक्रीज द एगोनी एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पार्टीज, समझे, तो इस 6 मंथ वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकती है और अगर कोर्ट को यह लगे कि कोई भी समझौते की गुंजाइश है तो वह पति पत्नी को 6 महीने तक इंतजार करने के लिए भी बोल सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि 6 मंथ वेटिंग पीरियड से संबंधित जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर कर सकूं, क्योंकि अधिकतर लोगों के बीच यही कन्फ्यूज़न है कि 6 मंथ जो वेटिंग पीरियड है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और अगर फैमिली कोर्ट जज साहब चाहेंगे अपने स्वविवेक का निर्णय लेते हुए, तो वो इस छह मंथ पीरियड को वेव ऑफ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आफ्टर सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई videos.